हरे कृष्णा मित्रों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हूँ कि आप सब सही होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक प्रसंग लेकर आई हूँ। सत्य घटना पर आधारित है ये प्रसंग। काफी समय पहले की बात है। एक गोसाई जी नित्य सेवा दिया करते थे बांके बिहारी दरबार में, और गोसाई जी को जो है, गोसाई जी जो थे वो प्रतिदिन जो है रात को जाते समय 4 लड्डू का भोग जो है रख के जाते थे, और बोल कर जाते थे, एक कन्हैया हे नटवर नागर, एक गिरधर गोपाल, ये आपका भोग है, जब आपको भूख लगे तो आप ये जो है खा लेना। रात्रि के भोग के लिए उनके रख के जाते थे और नित्य सेवा दिया करते थे। तो एक दिन ये बात है कि वो जो गोसाई जो थे वो लड्डू रखना भूल गए। ऐसा हुआ कि जिस दिन गोसाई जी आए तो उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनके पास संध्या आरती के बाद फ़ोन आया कि आप जल्दी आइए और जो है आपकी बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने कहा आप हॉस्पिटल लेके जाइए, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। और जल्दी जल्दी जो है गोसाई जी जो है संध्या आरती करके जल्दी ही मंदिर से निकल गए, और ठाकुर जी को 4 लड्डू का भोग लगाना भूल गए। अब शाम का समय था, रात्रि हुई। रात्रि में जो है हमारे बिहारी जी को भूख लगी। उन्होंने देखा कि गोसाई जी तो लड्डू रखना भूल गए हैं। अब जिस दुकान से वो लड्डू लाते थे उसी दुकान पे हमारे ठाकुर जी बाल रूप धारण किए और पहुंच गए। उन्होंने वहाँ हलवाई जो है अपनी दुकान को बढ़ा ही रहा था, उसने देखा एक लड़का खड़ा है। उन्होंने कहा जी हलवाई जी, ऐसा है 4 लड्डू दे दीजिए। उन्होंने कहा बेटा लड्डू तो नहीं है। कि नहीं नहीं देखिए आपकी दुकान में कहीं ना कहीं लड्डू होंगे, मेरे जो है गोसाई जी जो है यहाँ से ही, मेरे बाबा जो हैं वो लड्डू यहीं से ही लेके जाते हैं आपकी दुकान से, आज वो लड्डू लाना भूल गए तो शायद आपके 4 लड्डू रखे होंगे, देखो ज़रा। उन्होंने देखा कि 4 लड्डू रखे हुए बचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे 4 लड्डू रखे हुए हैं, लाओ पैसे दो। उन्होंने कहा पैसे तो मेरे पास नहीं है। ठाकुर जी के पास पैसे कहाँ से आएंगे? उन्होंने कहा ठाकुर जी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहते बिना पैसे मैं आपको लड्डू दूं कैसे, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ठाकुर जी जो थे उन्होंने 4 लड्डू उठाए और अपने हाथ का कंगन निकाल के फेंक दिया, दुकान में फेंक दिया। कह रहे ये ले लेना, जब मेरे बाबा जी आएंगे वो लड्डू का पैसा आपको दे देंगे और ये कंगन छुड़ा ले जाएंगे। अब वो दुकान बढ़ा ही रहे थे, सामान अंदर पड़ा था काफ़ी ज़्यादा, तो क्या फेंका जो है हलवाई जी को पता ही नहीं चला कि कहाँ फेंका है, कुछ फेंका है लड़के ने और भाग गया। लड़का बहुत प्यारा था, मोटी मोटी आंखें, बड़ा सुंदर बच्चा। हलवाई ने ऐसा बच्चा कहीं देखा नहीं था। उन्होंने सोचा कोई आया हुआ है यहाँ घूमने के लिए दरबार में, बाबा हमारे जो है ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, तो शायद कोई नया बच्चा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 4 लड्डू ले गया तो कोई नहीं, हरी की कृपा है, और अपना शौक बढ़ाकर वो घर पहुंच गए। अगली सुबह जब आए तो देखा कि मंदिर में जो है शोर शराबा सुना, क्या हो गया क्या हो गया। तो लोगों से पता चला कि जो है कान्हा जी का एक कंगन चोरी हो गया। चोरी हो गया कंगन? चोरी हो गया, हाँ कंगन चोरी हो गया। अब गोसाई जी सुबह आए तो उन्होंने देखा कि कान्हा जी के एक हाथ में कंगन है, दूसरे हाथ में कंगन नहीं है, ऐसे ही भोग लगाए हैं खाए हैं और कंगन चोरी है, कंगन चोरी कैसे हो गया? बड़े अचरज में, तो चारों तरफ जो है वृंदावन में ये खबर जो है बड़ी तेजी से फैली कि कान्हा जी का कंगन चोरी हो गया, कान्हा जी का कंगन चोरी हो गया। अब चारों तरफ लोग देखने लगे। तो वो दुकान जो हलवाई की दुकान वाला था उसने दुकान खोली, साफ सफाई की तो देखा एक कंगन नीचे पड़ा हुआ है, उठाया कपड़े में लपेटा देखा और मंदिर में आए। क्योंकि हलवाई का नित्य नियम था कि जब भी आते थे दुकान खोलते थे सामान लगाते थे उस, और आते ही लड़के को, अपने एक लड़के को बिठाकर आते ही सबसे पहले मंदिर के प्रांगण में आके जो है उनका गुणगान करके, बिहारी जी का उनको नमस्कार करके फिर वापसी जाते थे। पूजा अर्चना करने के बाद वापसी दुकान पर जाकर बैठते थे, नित्य नियम था हलवाई का। तो हलवाई जो है जब आए तो देखा कि ये तो वही कंगन है, सेम कंगन जो है
कान्हा जी ने पहना हुआ है, एक कंगन उनके हाथ में है। उन्होंने गोसाई जी को बुलाया, गोसाई जी के पास गए। गोसाई जी, ये जो कान्हा जी का कंगन है ये मेरे पास है, कि तुम्हारे पास कहाँ से आया? कि गोसाई जी क्षमा करें, रात को एक बालक मेरे पास आया था, उन्होंने कहा कि मेरे बाबा जो है मुझे 4 लड्डू दे के जाते, आज वो लड्डू रखना मेरे पास भूल गए, और जो हैं वो आएंगे आपको 4 लड्डू का पैसा देंगे, और जो है ये लड्डू और ये कंगन जो है छुड़ा ले जाएंगे। तो अब गोसाई जी को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो लड्डू है, कल मेरी बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, और जल्दी जल्दी में मैं लड्डू रखना भूल गया, और ठाकुर जी आज स्वयं जो है लड्डू लेके आए। कह रहे नहीं 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 बिल्कुल आपकी बात सत्य है हलवाई जी, आपने जो है ये लड्डू का पैसा, 4 लड्डू का पैसा मेरे से ले लीजिए और ये कंगन दे दीजिए। उन्होंने जो है गोसाई जी ने ठाकुर जी से क्षमा मांगी, और क्षमा मांग के जो है वो लड्डू का जो जो है वो कंगन जो है कान्हा जी को वापसी पहनाया। दोस्तों ये प्रसंग जो है सत्य है, और आज भी हमारे कान्हा जी वृंदावन में वास करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई आपको ये प्रसंग सुनाते हुए, क्योंकि ठाकुर जी बड़े चंचल हैं, बड़े सुमधुर हैं, सबकी सुनते हैं। और मैं ऐसे ही नहीं कह रही आपको, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है उनका, खुद मैंने महसूस किया है कि हमारे ठाकुर जी वृंदावन में हैं, कण कण में हैं। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये आस्था, ये विश्वास आप लोगों का भी बढ़े, आप भी विश्वास करें। जय श्री हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। फिर एक नई वृतांत लेकर, एक नई कहानी लेकर मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत होंगी। जय श्री हरि।